वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब ठीक होंगे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग और सैम्पलिंग टेक्निक्स फिनिश हो गया था हमारा क्लोज हो गया था वो आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर ट्वेल्व एस्टिमेशन है इसके अंदर तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेटिस्टिकल इन्फ्लेंस के बारे में कि ये क्या होते हैं नेक्स्ट फर्दर इसकी टाइप्स कितनी हैं और एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर के बारे में कि वो क्या चीज़ होती है सबसे पहले तो इसके अंदर आपने देखा होगी सबसे ज़्यादा हमारे पास इसके अंदर जिक्र पैरामीटर का आएगा तो हमने पहले ये देखना है कि पैरामीटर होता होता क्या है प्रीवियस uh, लेक्चर में लेक्चर्स uh, में हमने पढ़ा था पैरामीटर के बारे में कि क्या होता है प्रीवियस चैप्टर में तो uh, मैं आपको दोबारा इसके बारे में बता देती हूँ कि पैरामीटर क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट करते हैं है, और इसको ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं इसको कहते हैं हम पैरामीटर ठीक है जी अब स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस की तरफ आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ होती है एक ऐसा मैथड होता है जिसके अंदर आपने जजमेंट व्यू यू मेकिंग जजमेंट अबाउट अननोन हम जो हमारे पास पैरामीटर की अननोन वैल्यू होती है उसको हम लोग कुछ कंडीशंस के अंदर जो है वो सैंपल डाटा से कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग सैंपल डाटा तो उसको हम क्या कहेंगे स्टैटिस्टिकल इंफरेंस कहेंगे ठीक है जी यानी कि अननोन पैरामीटर को जब हम एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम अननौन वैल्यू पैरामीटर की फाइंड आउट करते हैं सैम्पल डाटा से उसको हम क्या कहेंगे स्टेटिस्टिकल इन्फ्रुएंस कहेंगे इसकी दो टाइप्स होती हैं एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस तो इसको पहले देख लेते हैं डिफाइन स्टेटिस्टिकल इन्फ्लेंस द मेथड ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट अननौन अबाउट द अननोन पैरामीटर अंडर कंसिडरेशन बाई यूजिंग द सैम्पल वैल्यू इज कार स्टैटिस्टिकल इंफ्रेंस इट्स टाइप आर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर एंड टेस्टिंग ऑफ हाई इस चैप्टर में हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम टेस्टिंग ऑफ हाई के बारे में पढ़ेंगे ये दोनों चैप्टर जो हैं वो पैरामीटर के आँखें जो है वो इर्ग गिर्द होते हैं अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि एस्टीमेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वो क्या होता है कैसा मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर की अननोन वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं सैम्पल डाटा से बाय यूजिंग एस्टीमेटर ठीक है हम एस्टीमेटर को यूज़ कर हम एस्टीमेटर के को यूज़ करते हुए सैम्पल डाटा से अन वैल्यू ऑफ पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं है, इस मेथड को हम क्या कहेंगे एस्टीमेशन ऑफ पैरामीटर कहेंगे इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं पॉइंट एस्टीमेशन और इंटरवल एस्टीमेशन अच्छा अब इसके अंदर एस्टिमेटर का जिक्र हुआ है तो एस्टीमेटर क्या होता है एक एस्टीमेटर आपके पास कोई भी फार्मूला होगा जिसके थ्रू हम लोग पैरामीटर की अनोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्स बार का फार्मूला है स्मेशन एक्स ओवर एन तो ये जो स्मेशन एक्स ओवर एन है ये हमारा एस्टीमेटर है ठीक है क्योंकि इसको यूज़ करते हुए हम इसके अंदर सैम्पल की वैल्यू को के थ्रू जो है हम पैरामीटर की अनोन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इसको हम क्या कहेंगे एस्टिमेटर फार्मूला आपके पास कोई भी होगा उसको हम क्या कहेंगे एस्टिमेटर अच्छा जी वट इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर द मैथड ऑफ फाइंडिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर फ्रॉम द सैम्पल वैल्यू बाई यूजिंग एन एस्टीमेटर इज कार एस्टिमेशन और एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर इट्स टाइप आर पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन ओके okay. अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है राइट द टाइप्स ऑफ स्टिस्टिकल एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर सेम क्वेश्चन है कि द टाइप्स ऑफ स्टिस्टिकल एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर आर पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन दो टाइप्स हैं आपकी स्टेटिस्टिकल इंट्रेंस की हमारे पास क्या थी दो टाइप्स थी एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर की नेक्स्ट हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर की सिंगल वैल्यू को ठीक है सिंगल वैल्यू को हम सैंपल डाटा से ए, एस्टिमेटर को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते हैं वैल्यू किसकी सिंगल अन नॉन वैल्यू ऑफ पैरामीटर रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं सिंगल वैल्यू पॉइंट एस्टिमेशन की ठीक है उसको क्या है uh, कहते हैं हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन क्या होते है? होता है जिसके अंदर एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर की सिंगल अन नॉन वैल्यू ठीक है सिंगल अन नॉन वैल्यू किसकी पैरामीटर की सैंपल डाटा किससे सैंपल डाटा से बाई यूजिंग एस्टिमेटर को यूज करते हुए हम सैम्पल डाटा से पैरामीटर की सिंगल अनोन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इस मैथड को हम क्या कहेंगे पॉइंट एस्टिमेशन कहेंगे डिफाइंड पॉइंट एस्टिमेशन द मैथड ऑफ फाइंडिंग द सिंगल अन वैल्यू ऑफ पैरामीटर फ्रॉम सैंपल वैल्यू बाई यूजिंग एन एस्टिमेटर इज कार्ड पॉइंट एस्टिमेशन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट अच्छा अब एग्जामिनर आपसे ये इसके दो नेम है एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन एस्टिमेट ठीक है उसको डिफाइन एस्टिमेट को डिफाइन करें और सेकंड वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट को डिफाइन करें तो ये दोनों सेम है क्वेश्चन अच्छा जी अब ये क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू नोमरिकल वैल्यू होती है सिंगल जिसको हम सैम्पल डाटा से कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एन एस्टीमेटर इसको हम क्या कहेंगे एस्टीमेट या फिर पॉइंट एस्टीमेट ठीक है एक ऐसे सिंगल वैल्यू जिसको हम लोग सैम्पल डाटा से क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एन एस्टीमेटर अब मैंने आपको बताया था कि एस्टीमेटर क्या होता है फार्मूला होता है एस्टीमेटर इसको हम क्या कहेंगे पॉइंट एस्टीमेट या फिर एस्टीमेट कहेंगे अच्छा अब इसके अंदर आपके पास उसने एग्जांपल भी दे दिया कि अगर आपके पास वैल्यूज़ हों टू फोर सिक्स एट एंड टेन ठीक है देन आप क्या करेंगे आपने इसका मीन निकालना है तो आप एक्सपायर जी कोड उसमेशन एक्स वन एन यूज़ करेंगे आप इसके अंदर क्या करेंगे आपको पता है कि मीन कैसे निकलता है सब वैल्यू को ऐड करके इसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो सिंगल आंसर आएगा यानी कि हमारे पास यहाँ पे सिक्स आ रहा है तो ये जो सिक्स है हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट एस्टीमेट है इसको आप क्या कहेंगे पॉइंट एस्टीमेट कहेंगे और जिस एस्टीमेटर के थ्रू यानी जिस फार्मूले के थ्रू ये आपके पास आया है उसको आप क्या कहेंगे एस्टीमेटर कहेंगे यानी एन ओवर एंड हमारे पास क्या होगा एस्टीमेटर होगा ठीक है जी डिफाइन एस्टीमेट और पॉइंट एस्टिमेट अ सिंगल नोमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा बाई यूजिंग अ एस्टिमेटर इस कार्ड एन एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सैम्पल वैल्यूज एज टू फोर सिक्स एट एंड टेन देन एक्सपायर इज इक्वल टू स्मिशन एन ओवर एन ठीक है इसके अंदर वैल्यूज़ को हमने एड कर दिया और फिर डिवाइड कर दिया आंसर आपके पास आ गया सिक्स आ गया हेयर सिक्स इज आ पॉइंट एस्टिमेट और एस्टीमेट एंड एंडसमिशन एक्स ओवर एन इज़ एस्टिमेटेड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एस्टिमेशन के बारे में कि एस्टिमेशन होती क्या है और स्टेटिस्टिकल इंट्रेंस क्या होती है नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में कि इंटरवल एस्टिमेशन क्या होती है तब तक के लिए अल्लाफ़